विश्व की ग्लोबल ग्रोथ में आज भारत की 16% की हिस्सेदारी की घोषणा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ओर से की गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा है कि वैश्विक आर्थिक विकास ग्लोबल इकोनॉमिकल ग्रोथ में भारत का योगदान अगले 5 वर्षों में 200 आधार अंक बेस पॉइंट से बढ़कर 18% होने की उम्मीद है, क्योंकि देश तेज गति से विकास कर रहा है। तो विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और आज के सेशन का डेट 21st of December 2023 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। CNA करंट न्यूज एनालिसिस में बिजनेस टुडे के एक आर्टिकल के आधार पे IMF ने कहा है कि इंडिया एक स्टार परफॉर्मर है, और यह एक्सपेक्ट की जा रही है कि ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ में इंडिया की 16% की पार्टिसिपेशन होगी। वहीं मिंट के एक आर्टिकल के आधार पे IMF ने कहा है कि इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमिकल ग्रोथ में हिस्सेदारी अगले 5 वर्ष में बढ़कर 18% हो जाएगी। IMF के एशिया प्रशांत विभाग एशियन पैसिफिक डेवलपमेंट के निर्देशक कृष्ण श्रीनिवासन ने कहा है कि भारत और चीन को 2023 और 2024 में संयुक्त रूप से दुनिया की आधी वृद्धि 50% में योगदान देनी पड़ेगी की उम्मीद है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 16% की होगी और शेष 34% का योगदान चीन के द्वारा किया जाएगा। तो आखिर ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ क्या है? आर्थिक वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि है। पूंजीगत वस्तुओं, कैपिटल गुड्स, श्रम शक्ति, लेबर फोर्स, प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी, मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल में वृद्धि, सभी आर्थिक विकास इकोनॉमिकल ग्रोथ में योगदान को कहा जाता है। आंकड़ों पे अगर हम ध्यान डालें तो पिछले 10 सालों में ग्लोबल इकोनॉमिकल ग्रोथ 2013 से 2023 में 5 देशों की हिस्सेदारी कुछ इस तरह से है। चाइना 32% के साथ पहले स्थान पे है, इंडिया 14.6% के साथ दूसरे पायदान पे है, यूनाइटेड स्टेट्स 9.7% के साथ तीसरे जगह पे है, इंडोनेशिया 3.8% के साथ चौथे स्थान पे है, टर्किया 3% के साथ 5वें पायदान पे है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक पूंजी व्यय और लचीली घरेलू मांग के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है। IMF ने हाल ही में लचीली घरेलू मांग और मजबूत निवेश प्रभाव के कारण वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर 6.3% कर दी है। इस बीच इसमें कहा गया है कि चीन अर्थव्यवस्था के 2023 में 5% और 2024 में 4.2% बढ़ने की उम्मीद है, जो अप्रैल में अनुमानित क्रमशः 5.2 और 4.5% से कम है। एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में IMF ने कहा है कि एशिया प्रशांत में वृद्धि 2022 में 3.9% से बढ़कर 2023 में 4.6% होने का अनुमान है। IMF कर्मचारियों का अनुमान है कि 2024 में एशिया की वृद्धि धीमी होकर 4.2% होगी। मध्यम अवधि के 3.9% 2020 को छोड़कर पिछले 2 दशकों में सबसे कम था। एशिया की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में तंग वित्तीय मांग में कमी लाएगी, जबकि निर्यात के दृष्टिकोण से वैश्विक वस्तुओं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रौद्योगिक चक्र कोरिया, सिंगापुर, ताइवान के मूल्य आंदोलनों पर निर्भर करेगा। IMF के एशिया प्रशांत विभाग के उप निर्देशक थॉमस हेल्बिंग ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक तस्वीर ग्लोबल पिक्चर में भारत एक उज्ज्वल स्थान रखता है। हेल्बिंग के अनुसार भारत ने जो महत्वपूर्ण देखने को है वह मजबूत घरेलू मांग, सार्वजनिक पूंजी व्यय के साथ निजी निवेश में बढ़ोतरी है। COVID-19 के बाद घरेलू मांग में ज्यादातर तेजी शहरी खपत से आई, लेकिन इस तरह का विभाजन व्यापक नहीं होगा और अंततः संकीर्ण हो जाएगा। चीन से परे विविधता लाने के वैश्विक कदम से भारत को लाभ मिलने की संभावनाओं पर हेल्बिंग ने कहा है कि चीन +1 जमीन पर दिखाई दे रहा है और भारत इसका लाभार्थी रहा है। डेमोग्राफी, डिविडेंड जैसे कई कारण भारत के पक्ष में है। यह देखते हुए कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे मापदंडों को आसान बनाना, श्रम बल के कौशल को बढ़ाना और वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने से इसे अधिक लाभ हो सकता है। तो विशेष आप लोगों को तब दिखेगा जब 2024 वित्तीय वर्ष की समाप्ति होगी। तो इंतजार करें एंडिंग ऑफ द वीडियो सेशन। सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू। थैंक्स।